हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिएगी। बेसिकली जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है किसी भी बिजनेस में हो, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी की नहीं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल है, होलसेल है या मैनुफैक्चरिंग है, कोई भी तरह का बिजनेस है अगर, तो इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है वो फिक्स नहीं होती, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे मेन तो ये होता है कि जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं आपको एक प्रमिसेस की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जहाँ भी आपका जो स्टेट है या जो जो भी सिटी में आप रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेंट क्या है, क्योंकि अगर मेट्रो सिटीज में लगाते हैं तो वहाँ पे रेंट ज़्यादा होता है, स्मॉल सिटीज में लगाते हैं तो रेंट कम होता है। उसी तरह अगर आप प्राइम लोकेशन पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा, इंटीरियर में थोड़ा कम होगा। अगर आप खुद का प्रमिसेस लेके शुरू करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी रेट आपके उस एरिया में कितने हैं वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। लेकिन कोशिश यही करिए कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो रेंटेड प्रमिसेस से करिए, क्योंकि प्रॉपर्टी पे इतना पैसा इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होता स्टार्टिंग में, उससे अच्छा आप अपने बिजनेस पे करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। उसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं कि जिस स्टेट में आप शुरू करने जा रहे हैं वहाँ पे आपकी जो लाइसेंस है और डॉक्यूमेंट की कॉस्ट है वो कितनी आती है। इसके अलावा आप कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, जो मॉलिक्यूल आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी कॉस्ट क्या है, वो लो प्राइस पे आएंगे या हाई प्राइस पर आएंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सभी तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सस्ते भी होते हैं कुछ महंगे भी होते हैं, तो उस पर भी आपकी कॉस्टिंग डिपेंड करेगी। उसके अलावा कितना एरिया कवर करना चाहते हैं, आपका स्केल कितना बड़ा रहेगा बिजनेस करने का, आप एक सिटी में शुरू करना चाहते हैं, पूरे स्टेट में शुरू करना चाहते हैं, कंट्री में शुरू करना चाहते हैं, तो उससे भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा प्रमोशनल और दूसरे जो एक्सपेंसिज है वहाँ पे आपकी मार्केटिंग में कॉस्ट कितनी रहेगी, किस तरह आप प्रमोट करना चाहते हैं वहाँ पे भी आपकी कॉस्टिंग वेरी करेगी। उसके अलावा आप स्टाफ कितना रखते हैं, अगर आप खुद ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम आएगी, और लेकिन अगर आप स्टाफ रख के करना चाहते हैं कि भाई आपके पास ऑफिस में भी स्टाफ है, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, थोड़ा लार्जर स्केल पे करना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपको सेल्स टीम की भी जरूरत पड़ेगी, आपको ऑफिस स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको मैनेज करना है बिजनेस, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए पर्सन उसको छोटे लेवल पे शुरू करना चाहता है और पर्सन बी फार्मा मार्केटिंग कंपनी को बड़े लेवल पे शुरू करना चाहता है। तो पर्सन ए है वो एक रेंटेड प्लेस लेता है जहाँ पे वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर की प्रमिसेस ले लेता है, जो कि ड्रग लाइसेंस के लिए उसके लिए कंपलसरी होती है, और उसका वो रेंट अगर हम मानते हैं तो वो 6,000 रुपये के आसपास है। और उसने अपने लिए 10 मॉलिक्यूल्स को या कंपोजिशन को सिलेक्ट किया है, जिनमें से 2 जो प्रोडक्ट हैं वो तो थोड़े महंगे हैं और 5 प्रोडक्ट मीडियम रेंज के हैं और 3 प्रोडक्ट सस्ते हैं। यहाँ पर हमने जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनकी रेंज 500 से 600 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से रखी है, जो 5 प्रोडक्ट मीडियम रेंज के हैं उनको 200-250 रुपये के आसपास रखा है, और जो सस्ते वाले हैं उनको 50 से 75 रुपये के आसपास हमने उसका रखा है। अगर हम मार्केटिंग कंपनी में मिनिमम थर्ड पार्टी क्वांटिटी की बात करते हैं कि कोई भी मार्केटिंग कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से अगर मैन्युफैक्चरिंग करा रही है तो जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनकी थोड़ी कम क्वांटिटी भी दे देते हैं, वो उसी के हिसाब से उनकी मिनिमम क्वांटिटी होती है। जो कॉस्टली प्रोडक्ट है उनकी हम 200 बॉक्सेज का मिनिमम बैच साइज मान के चल रहे हैं, जो मीडियम रेंज वाला है उनका 300 बॉक्सेज का, और जो लो प्राइस प्रोडक्ट है, जो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं उनका 500 बॉक्सेज हम मिनिमम थर्ड पार्टी ऑर्डर मान के चल रहे हैं। वैसे वो आपके हिसाब से जितनी भी आपको क्वांटिटी मिलती है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट की कॉस्ट है उसको हम 20 से 25 हज़ार के आसपास मान रहे हैं, और जो ऑफिस के लिए जो एसएससी चाहिएगी उसको 30,000 के आसपास हम मान के चल रहे हैं। और जो ये पर्सन है वो सारा काम खुद करना चाहता है, उसको कोई स्टाफ नहीं लग रहा है, तो उसके लिए वो कोई इन्वेस्टमेंट वो पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो स्टाफ तो नहीं रख रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंथली सैलरी और एक्सपेंसेस तो यहीं से निकालने पड़ेंगे, और उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो हम 30,000 रुपये पर मंथ उसके एक्सपेंसेस और उसकी जो सैलरी है अपने खर्चे के लिए जो वो निकालेगा वो मान के उसकी जो हम वैल्यू लेके चल रहे हैं वो 30,000 लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो पर्सन बी है वो बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, वो एक अच्छा ऑफिस उसने बनाया है एक अच्छी लोकेशन पे, जिसका रेंट ही 30,000 पर मंथ वो लेके चल रहा है, और एक बड़े स्केल पे वो करना चाहता है और प्रॉपर स्टाफ और सेल्स स्टाफ कर रहा है, और इस पर्सन ने 50 प्रोडक्ट से लॉन्च करना चाहता है। तो 50 प्रोडक्ट को हम जो पर्सन ए में हमने जो मेंशन किए थे उसी के हिसाब से हम 5 गुना लेके चलते हैं। जो उसके कॉस्टली प्रोडक्ट थे वो हम 10 मान लेते हैं, उसके 2 थे यहाँ पे 10 हो जाएंगे, जो मीडियम रेंज वाले हैं वो यहाँ पे 25 हो जाएंगे, और जो कम प्राइसेज के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे 15 हो जाएंगे।
डॉक्यूमेंट है और जो लाइसेंसीज है उसकी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी इस केस में भी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है, ऑफिस की एसेसरी ज़्यादा लगेगी और दूसरी चीज़ें ज़्यादा लगेगी, तो जो वो हम ऑफिस एसेसरी पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कॉस्ट मान के चल रहे हैं वो हम 5 लाख रुपए मान के चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जो उसके पास सेल्स स्टाफ है या दूसरा स्टाफ है वो 5% का स्टार्टिंग में लेके चल रहा है, तो जो एवरेज सैलरी या डेली एक्सपेंसेज है पर स्टाफ की किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, तो हम उसको राउंड फिगर में 20,000 रुपये लेके चल रहे हैं। अगर प्रमोशन भी करेगा तो उनके साथ एक्सपेंसेस भी थोड़े रिलेटेड होंगे, तो 15,000 रुपये के हम एक्सपेंसेस मान के चल रहे हैं जो प्रमोशन और मार्केटिंग पे होंगे। दोनों ही केसेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो एक बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो 1 साल में वो एटलीस्ट इतना पैसा तो कमाना शुरू कर देगा कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल निकाल सके। होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर हमारी वर्किंग कैपिटल भी निकल आएगी तो जो हमारा सैलरी है, स्टाफ है, जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, रेंट वगैरह है, तो वो बिज़नेस खुद जनरेट करेगा, लेकिन 1 साल तक तो हमें ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे 1 साल का लेके चल रहे हैं कि 1 साल में हमारी फिक्स कैपिटल पे है चाहे वर्किंग कैपिटल पे है। तो अगर पर्सन ए के बारे में हम कैलकुलेट करते हैं तो जो रेंट अगर हम 6,000 रुपये लगा के चलते हैं तो 12 महीने से उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 72,000 रुपये के आसपास आता है। जो लाइसेंस कॉस्ट हमने लेके चले थे वो 25,000 रुपये मान रहे हैं, ऑफिस एसेसरीज के हम 30,000 रुपये लेके चल रहे हैं। दो प्रोडक्ट जो थोड़े से महंगे थे, मिनिमम 200 बॉक्स बनते थे, तो 400 बॉक्स टोटल दोनों प्रोडक्ट के हो गए, तो 600 रुपये के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। 5 प्रोडक्ट जो मिले थे उनको 300 बॉक्सेज मिनिमम बेस्ट साइज के हिसाब से 1500 को हमने 250 रुपये पर बॉक्सेज के हिसाब से मान के, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से पर प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 प्रोडक्ट जो कम कॉस्टली थे वो 500 बॉक्सेज पर बैच के हिसाब से हम पर प्रोडक्ट के हिसाब से लेके चलते हैं, तो 1500 बॉक्स को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अगर दूसरे एक्सपेंसेस लगाते हैं कि पर्सन के 30,000 अपना खुद की सैलरी और खुद के एक्सपेंसेस उसके 30,000 रुपये महीना आ रहे थे, 12 महीने तक उसको उस पर लगाने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से हमें आ रहे हैं 8,60,000 रुपये हो जाते हैं। प्रमोशन और मार्केटिंग पे भी क्योंकि पर्सन ए का भी खर्चा आएगा तो 5,000 रुपये, क्योंकि कम लेवल पे कर रहा है थोड़ा कम मार्केटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, प्रमोशन एक्सपेंसेस आएंगे, तो हम 5,000 मान के चल रहे हैं। 1 साल तक करेगा तो 60,000 की इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो इन सारे फिगर्स को अगर हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास जो इस फिगर्स के हिसाब से, इस वैल्यू के हिसाब से जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी वो 12,74,500 रुपये के आसपास पर्सन ए की आ रही है। अगर आप कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके हिसाब से ये वैरी करेगी। हम पर्सन बी के बारे में बात करते हैं तो रेंट उसका 30,000 रुपीज़ है पर मंथ का, और 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 3,60,000 रुपये हमारे पास आ जाते हैं। लाइसेंस की कॉस्ट 25,000 रुपये, ऑफिस एसेसरी की जो हम मान के चले थे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वो 5 लाख रुपये, प्रोडक्ट इसके ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, 10 प्रोडक्ट इसके पास महंगे वाले हैं तो वहाँ पे हमने 400 बॉक्स टोटल आए थे हमारे पास 2 प्रोडक्ट के, यहाँ पे अगर 10 प्रोडक्ट के आएंगे तो हमारे पास 2,000 बॉक्स ही जाएंगे, उसको हमने सेम वैल्यू से कैलकुलेट किया है। फिर यहाँ पे 25 प्रोडक्ट हमारे पास मीडियम रेंज वाले हैं, 15 प्रोडक्ट हमारे पास लो रेंज वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल रही है। दूसरे एक्सपेंसिस हम निकालते हैं कि हमारे पास 5% है यहाँ पे, वहाँ पे हम अकेले थे, यहाँ पे 5% है और 20,000 रुपये का सैलरी और दूसरे एक्सपेंसिस पर पर्सन हमें कॉस्ट कर रहा है, तो जो हमारे पास 1 लाख रुपया पर मंथ का ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है तो 12 मंथ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लाख रुपये हमारे एक्स्ट्रा ये आ रहे हैं। प्रमोशन हम बड़े एरिया में करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मतलब थोड़ा सा रफली हम 15,000 रुपये लेके चल रहे हैं 12 महीने तक उसको हम खर्च करते हैं, तो जो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 59 लाख रुपये के आसपास आ रही है। तो कहने का पर्पज यही है कि जो कॉस्ट आएगी वो फिक्स नहीं होगी, वो आपके प्रोडक्ट एक्सेशन पे और बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड करेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फिक्स नहीं होगी जब भी आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहेंगे, तो कई फैक्टर पे वो डिपेंड करती है। अगर आप सारे ही कम लो प्राइस प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज़्यादा बन जाएंगे, हाई प्राइस प्रोडक्ट लेंगे तो वो कम बनेंगे, उसी के हिसाब से आपकी कॉस्ट वैरी करेगी। और दूसरा ये है कि आप किस लेवल पे करना चाहते हैं, स्मॉल पे करना चाहते हैं या हाई लेवल पे करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपकी कॉस्ट वैरी करेगी। अगर आप स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं तो कम करेगी,
आपकी कॉस्ट कम आएगी, इन्वेस्टमेंट कम आएगी, लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं तो ज़्यादा आएगी। तो उसी के हिसाब से इसके अलावा और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो वो भी फैक्टर कंसिडर होंगे जब आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी को शुरू करने जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।